जो सबसे ज्यादा खतरनाक हिंदू होगा वो देश की सत्ता में रहेगा। 2014 में साबित करके दिखा दिया। देखिए इस टाइम जो है जब देश की सारी सरकारें उत्पीड़ना पर उतर आए हैं और हमारे जो इस देश के अंदर जो मूलवासी हैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जब उनके ऊपर जुल्म जास्ती बढ़ने लगे हैं और देश की बैठी हुई सरकार उन लोगों को संरक्षण देने लगे जो हमारे कत्ल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई सुन नहीं रहा। हमारे ये स्थान है इस देश में इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया जितना अब है। शोषण की चरम सीमा पर शोषण चल रहा है। जब कोई हमारा सुन नहीं रहा जो मोदी जी हैं वो बात सही कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जो है 5 लोगों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। 5 लोग जो देश के हैं उनका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। देश के सारे संसाधन उनके पास हैं, देश की सारी सत्ताएं उनके पास हैं। आप बताइए ओबीसी का क्या है इस देश के अंदर? ना तो ओबीसी के पास कुछ है, ना किसी एससी के पास कुछ है, ना किसी एसटी के पास कुछ है। इस देश के सारे संसाधन जो है बनिए ब्राह्मणों के पास है। इस देश के सारे संसाधन वो जो लोग हमारे पांव काटने वाले लोग हैं बताया, जिसको ख़त्म करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो, जिसे बर्बाद करना उससे जो है बिजनेस छीन लो। हमारे सारे संसाधन छीने जा रहे हैं, देश की सारी माइंस हमसे छीन ली गई। हम देश के मालिक हुआ करते थे, सारे संसाधन हमारे पास थे, है जल जंगल के मालिक हम थे। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास केजरीवाल ऑप्शन है। इस देश में हमेशा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की अनदेखी होती रही और जो सरकारें आईं सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया हम लोगों को। देखिए ऐसा है, केजरीवाल बेचारा क्या करेगा? केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जो सरकार है लगली सरकार है। ऐसा आजकल कंपटीशन चल रहा है हिंदू बनने का। जो सबसे ज्यादा खतरनाक हिंदू होगा वो देश की सत्ता में रहेगा। 2014 में साबित करके दिखा दिया। ना किसी मुसलमान की जरूरत, ना किसी एससी की जरूरत, ना किसी एसटी की जरूरत। ये मोदी ने करके दिखा दिया। कंपटीशन चल रहा है बिल्कुल। जो सबसे बड़ा हिंदू होगा इस देश वो राज करेगा। क्योंकि हमारे लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कौन है इस देश के। नहीं समझ पा रही जनता। जनता के ऊपर आंखों पर पट्टी बन चुकी है। उनको पता नहीं कि उनको सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनाया जाता है, बाकी संसाधनों में हिस्सा नहीं हमारा। केजरीवाल हिस्सेदार है। बताइए आपको कहाँ हिस्सेदारी मिल रही है हम लोगों को? मोदी जी ने विकास किया है, सिर्फ बनिए ब्राह्मणों का विकास हुआ है इस देश के अंदर। सारी देश की माइंस है, सारे देश के रेल, सारे देश की जहाजें, सारे देश के संसाधन, जिससे जो नवरत्न कंपनियां थी देश की, हमारे देश को चलाने का काम करती थी, जिससे पैसा पैदा करके देश को चलाया जाता था, आज सारे संसाधन बेच दिए। असल में क्या है कि हमारे लोगों के ऊपर से जो लोगों की जो निगाहें आंखें हैं ये बस ये दिखाया जा रहा है इस देश के अंदर कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। जबकि आज तक पूरे भारत के अंदर कभी किसी मुसलमान से कोई युद्ध तो हुआ नहीं है। युद्ध तो सारे इनके आपसी में हुए हैं। और मुसलमान कभी भी, क्योंकि मुसलमान कौन है इस देश का? मुसलमान वो है जो इस देश का एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो इन पर जुल्म जास्ती हुई, इन्हें पानी नहीं लेने दिया गया, इनको संसाधनों से दूर रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ये लोग को बाहर के सऊदी अरब के आए हुए लोग तो नहीं है। अगर सऊदी अरब से आते तो हम जो है ये हमारे जो साथ खड़े हैं ये लुहार हैं। अरे इस देश में देखो केजरीवाल के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। क्या है बताइए? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास कुछ नहीं है। देखिए देश के अंदर हमारी दिल्ली की जमीन उनके पास नहीं, दिल्ली की सर्विसेज उनके पास नहीं, सर्विसेज उनके पास नहीं, नौकरी क्या दे सकता है? इस देश का कोई मुसलमान हिंदू नहीं है, ना हिंदू ना कन्वर्ट हुआ है। इस देश के शोषित लोग कन्वर्ट हुए हैं, जिन पर जुल्म जास्ती होती रही, जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जिनको जो है काम के बदले पैसे लेने का अधिकार नहीं था, तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। जब उनको बेइज्जती और जलालत भरी जिंदगी के मुँह रखने का अधिकार नहीं, गोली पे बैठने का अधिकार नहीं, तो उन लोगों ने अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी सम्मानजनक जी कैसे बन जाए, इसलिए इस्लाम धर्म का उन्होंने जो है दामन को थामा था। कि जो मुसलमानों की बात करेगा, इस देश के अंदर दलित की बात करेगा, वो सत्ता से वंचित हो जाएगा, सत्ता से निकाल दिया जाएगा। ऐसा वोट लेने का काम हमारा, वोट की मशीन है हम लोग, हम तो हमेशा वोट देते रहेंगे। हमारे बोलने से उसको सत्ता में नुकसान होने वाला है,
इसलिए हमारी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको 2014 में, 2014 में मोदी ने ये साबित करके दिखा दिया कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। इससे पहले तमाम पार्टियां मुसलमानों को स्टेज पर बिठाया करती थी, सारी पार्टियां बिठाई, इससे तो सम्मान दिया करती थी। आज बताओ कौन सी पार्टी अपने स्टेज पर मुसलमानों को सजा रही है, क्योंकि इस देश के अंदर दलितों को मुसलमानों का दुश्मन बनाकर इस देश को विभाजित करने की बात करनी है, इस देश को टुकड़े करने की काम कर रही है सरकार। केजरीवाल के हाथ में जो काम है वो काम तो कर रहे हैं केजरीवाल, आवाज तो उठा सकता है। केजरीवाल के पास जो काम है उस काम को वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको देश से खत्म के लिए एक शब्द नहीं बोला, देखिए देश से अगर खत्म करना तो मैं केजरीवाल को तो आज ही बुलवा दो, मुसलमानों की बात कल से वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्यों? ये तो बीजेपी चाहती है जो आप बोल रहे हो, यही बीजेपी चाहती है कि ये मुसलमानों के लिए बोले खुल के। हमारा इस्तेमाल तो सारी सरकारों ने किया, इससे पहले कांग्रेस ने किया, इससे पहले बीजेपी ने किया। भाई देश में किसका उन्नति हुई है, देश जो है भुखमरी की कगार पर जा चुका है, देश खत्म होने के कगार पर, देश के टुकड़े होने वाले हैं इस देश के अंदर, बिल्कुल होता रहेगा जब तक लोग एकत्रित नहीं हो गए। ये जो मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश के शोषित वंचितों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है ना, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक प्रयास कर रहे हैं ना, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का, अपने लोगों को समझाने का। समझ जाओ, आगे खाई है, तुम डूबने वाले हो, तुम्हारी स्थिति खत्म हो चुकी है। अब नहीं समझेंगे तो हम तो लोग होकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर निकालने का छोटा सा प्रयास है। लोगों ने अगर हमारी बात को माना और लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, तो एक दिन जरूर क्रांति आएगी इस देश के अंदर और इस देश में, जो भारत के अंदर। हमारा तुम्हारा DNA एक, हमारी तुम्हारी शक्लें एक, हमारा तुम्हारा रंग एक, हमारा तुम्हारी जो एक जो बीमारियां एक, समझे? यही बताने की कोशिश की जा रही है, जो सामाजिक बीमारियां हैं, जो हमें वंचित किया गया, जो हमारे काम के बदले पैसे लेने का अधिकार नहीं था, 3,500 साल तक जो हमको शिक्षा से वंचित रखा गया, सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, तो ये जुल्म जो खाली जो है ये तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान लिखा जिससे जो शिक्षा के द्वार खोले और हमको सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का एक सुनहरा मौका मिला। हम बाबा साहब के ऋणी हैं, बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान दिया इस देश के लिए, जिन हक अधिकार के लिए हमारा हक अधिकार है उसके अंदर, उसी संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये मनुवादियों की सोच इस संविधान को खत्म करने के काम कर रही है।